हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वैदिक एज का पार्ट टू कवर करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम वैदिक एज स्टार्ट कर दिए थे। पिछले वीडियो में हम लोग वैदिक एज इसमें हम स्टार्ट कर दिए थे पढ़ने के लिए। वैदिक एज जिसको कि आर्यन भी कहा जाता है, आर्यन एज भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यन हैज स्टार्टेड द वैदिक एज एंड द पीरियड ऑफ वैदिक एज हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे। द पीरियड इज कंटिन्यू फ्रॉम 1500 बीसीई टू 500 बीसीई एंड द वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वैदिक पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे दैट वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज इसका पीरियड फ्रॉम है, इसका पीरियड चलता है फ्रॉम 1500 टू 1000 बीसीई तक, इसका कंटिन्यूअस चलता है। सेकंड पार्ट इसका है लेटर वैदिक एज, इसका सेकंड पार्ट है लेटर वैदिक एज और इसका पीरियड है फ्रॉम 1000 बीसीई टू 500 बीसीई तक, इसका कंटिन्यू चलता है। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे किस तरीके का लेटर, किस तरीके से लेटर वैदिक अर्ली वैदिक एज स्टार्ट हुआ था, वैदिक एज कैसे स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि आर्यंस कहाँ से आए थे, जो मल्टीपल थ्योरी है, जो कौन क्या क्या बताया था, इसके बारे में हम लोग देखे थे। इसके बाद हम लोग अर्ली वैदिक एज के लोगों का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस लाइफ को हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लेटर वैदिक एज को कब अच्छे से कंप्लीट करते हैं, इसके आज इसी को देखते हुए लेटर वैदिक एज के बारे में आज इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग देखे थे अर्ली वैदिक एज के बारे में कि इसकी जो सोर्सेज है, द सोर्सेज ऑफ द वैदिक एज इज लिटरेचर, लिटरेचर जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद इज द मेन सोर्स है। इसमें हम लोग देखे थे कि ऋग्वेद है वो जो मेन सोर्स है, जो बताता है सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को अर्ली वैदिक एज के बारे में मिला है। तो इसमें जो उसके बाद जो चार वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीन वेद आए हैं, ये लेटर वैदिक एज में आए हैं और ये सभी वेद हम लोगों को मेन सोर्स है, इंफॉर्मेशन है, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टू वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। वैदिक एज हमको ऋग्वेद और ऋग्वेद जो हमें सभी इंफॉर्मेशन बताया था वैदिक एज के बारे में, जो ये भी बताया था ये वैदिक जो जो आर्यंस लोग हैं वो इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास से ये लोग बसे थे, ये लोग का वहां पे सेटलमेंट हुआ था, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज से इसका यहाँ पे इसका सेटलमेंट हुआ था। ये इंडस नदी यहाँ से जाती है और इसके आसपास इस तरीके से इसका यहाँ पे सेटलमेंट हुआ था, यहाँ पे आर्यंस लोग का सेटलमेंट हुआ था। ये अर्ली वैदिक एज के टाइम आया हुआ था, पर ये लेटर वैदिक एज तक आते आते, मतलब एक 1000 बीसीई तक आते आते इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो माइग्रेशन है, ये गंगा यमुना रिवर तक इस तरह से इनकी इनकी माइग्रेशन इस तरह बढ़ जाती है और ये गंगा यमुना रिवर तक इनका एग्जिस्टेंस सेटलमेंट हो जाता है। तो इसके बाद जो सोर्सेज ये हमें बताता है कि लेटर वैदिक एज तक आते आते लोग गंगा यमुना तक फैल जाते हैं, इसकी ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस बताता है। और इसके उसी तरीके से इसमें आज हम लेटर वैदिक एज में भी आज हम लोग देखेंगे कि लेटर वैदिक एज के टाइम में का पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह का, लोगों का डेवलपमेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का डेवलप हुआ था। इसमें हम लोग देखते हैं कि बिजनेस के हम लोग अर्ली वैदिक एज में देखिए देखिए कैसे लोग फैमिली से, इसके बाद फिर एक गांव बनता है, ग्राम, जिसका का जो जो राजा था वो राजंस कहलाता था और उसके बाद फिर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, कई गांव मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता था जिसको विश्व बोला जाता था, जिसका विश्वपति जिसके राजा हुआ करते थे और उसी तरीके से कई डिस्ट्रिक्ट को मिलाने के बाद एक जन बनता था और जिसके के जो किंग थे उसको राजंस कहा जाता था। और अर्ली वैदिक एज के टाइम में जो राजा जो राजंस हुआ करते थे वो बहुत पावरफुल नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसकी अपनी एक इंस्टीट्यूट, एक बॉडी हुआ करती थी, इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी, जैसे कि सभा, समिति, विधाता, ये तीनों इंस्टीट्यूशन बॉडी हुआ करता था जो कि राजा को हेल्प किया करता था सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म और
प्लान करने में। तो यहाँ पर राजा बहुत पावरफुल नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक एज तक आते आते 1000 के पास आते आते जो राजा था, जो राजन थे, ये पावरफुल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग देखे थे सभा समिति इंस्टीट्यूशन था, सभा समिति इस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन था, इसके एग्जिस्टेंस यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेटर वैदिक एज आते आते राजा पावरफुल हो जाने के साथ साथ सभा समिति बॉडी का एग्जिस्टेंस जो था वो समाप्त कर देता है और सभी पावर अपने हाथ में ले लेता है। राजन्स बिकम राजा जो था अपने स्टेट को पावर को और बढ़ाने लगा, अपने स्टेट के एरिया को और बढ़ाने लगा, जिसके कारण वो और भी पावरफुल बनने लगा। और स्टेट बढ़ाने के साथ साथ वो दो स्टेट को कंबाइन करके जन से वो जनपद की तरफ बनता है, जन से वो जनपद की तरफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है, जनपद अब डेवलप होने लगा है। तो ये मतलब जनपद आगे जो इसमें देखते हो कि यहाँ पे तुम लोग देखे कि कैसे जनपद का डेवलपमेंट हुआ, पहले कैसे जन फैमिली, फिर ग्राम, फिर विशु, फिर जन बना, और जन बनने के बाद लेटर वैदिक एज आते आते राजा दो स्टेट को कंबाइन करके एक जनपद का निर्माण करता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस तरीके से टेक प्लेस करता है। जनपद के बाद फिर जब और भी जब जनपद जब बन जाता है, कई जनपद को मिलाने के बाद महाजनपद बनता है, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में महाजनपद के टॉपिक में इसको हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए किस तरीके का जनपद का एक डेवलपमेंट होता है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेटर वैदिक एज के बारे में इस तरीके से होता है। इसके बाद इसका देखते हैं कि इसका सोशल लाइफ किस तरीके से यहाँ पर हुआ करता था। सोशल लाइफ जैसे कि हम लोग अर्ली वैदिक एज में भी हम लोग देखिए कि उसी को आगे बढ़ते हुए ये हम लोग लेटर वैदिक एज में देखते हैं कि यहाँ पे सोशल लाइफ लोगों का सोसाइटी किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ तक होने लगता है। एट दिस टाइम वर्णा सिस्टम बिकम रिजिडिटी, हम लोग देखे थे अर्ली वैदिक एज में वर्णा सिस्टम का ओरिजिन स्टार्ट हो जाता है अर्ली वैदिक एज में, और पर वहाँ पे बहुत रिजिडिटी नहीं था, पर ये लेटर वैदिक एज तक आते आते वर्णा सिस्टम जो हो जाता है, ये वर्णा सिस्टम इसका रेजिडिटी हो जाता है यहाँ पे बहुत। वर्णा सिस्टम यहाँ पे रेजिडिटी मतलब बहुत रिजिड हो जाता है, लोगों को फॉलो करना पड़ जाता है बहुत ज्यादा ही। साथ ही साथ वर्णा सिस्टम डिवीजन वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ है, पिछले हम लोग अर्ली वैदिक एज में देखे थे वहां पर जो वर्णा सिस्टम था वो बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, पर लेटर वैदिक एज में ऐसा नहीं, यहाँ पे बर्थ के अनुसार वर्णा सिस्टम को कैटेगराइज और उसके अनुसार ही उसके बेसिस पे ही डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे वर्णा सिस्टम बिल्कुल रिजिड हो जाता है, वर्णा सिस्टम इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के अनुसार उसके सोसाइटी को बांटा जाता है। एंड द कंडीशन ऑफ वुमेन, यहाँ पिछला हम लोग देखे थे कि द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज वेरी गुड, वुमेन जो थी उसको अलाउ था एजुकेट करने का, स्वयंवर करवाने का, साथ ही साथ जितने भी यज्ञ और रिलीजियस एक्टिविटी हुआ करता था वुमेन्स वेयर अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन ऑल द रिचुअल्स, बट इन लेटर वैदिक एज दीज ऑल एक्टिविटीज वेयर डिटोरिएटेड, ये खत्म होते चला गया था। यहाँ पे वुमेन का जो सिचुएशन था यहाँ पे थोड़ा सा खराब होने लगा, यहाँ पे वुमेन का सिचुएशन यहाँ पे खराब होने लगा, वुमेन सिचुएशन डिक्रीजेज, यहाँ पे वुमेन का सिचुएशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये लोगों को किसी तरीके का रिलीजियस एक्टिविटीज करने का अलाउ नहीं करने लगा था। साथ ही साथ जो पहले बॉडी हुआ करती थी राजन की, जो बॉडी सभा समिति विधाता इस तरीके का जो बॉडी था जिसमें वुमेन्स लोग भी कई पार्टिसिपेट करते थे, पर लेटर वैदिक एज तक आते आते वुमेन्स वे आर नॉट अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन ऑल दीज इंस्टीट्यूशन इन ऑल दीज बॉडीज, और साथ ही साथ वो लोग को एजुकेटेड के लिए भी लोग बहुत स्टॉप करने लगे थे, इसलिए बताता है कि वुमेन्स का सिचुएशन थोड़ा बहुत खराब होने लगा था। इस तरह का सोसाइटी में कई बदलाव होता है अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज तक आते आते सोसाइटी में कई बदलाव हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका सोसाइटिकल चेंज देखते हुए देखते हैं कि जो वर्णा सिस्टम था पिछला अर्ली वैदिक एज में तीन पार्ट में बटा हुआ था, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य था नौ, पर यहाँ पे जो वर्णा सिस्टम यहाँ पे फोर पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू फोर सोसाइटी, जो सोसाइटी है फोर वर्णा सिस्टम में डेवलप है।
जो सोसाइटी वो हायरार्की इसका बना हुआ है, इस तरीके से इसका हायरार्की बना हुआ है। और यहाँ पर ये सबसे जो नीचे, जो सबसे नीचे ये शूद्र है, जो सबसे नीचे वो शूद्र कहलाते थे, उसके ऊपर जो है वो वैश्य कहलाते थे, उससे जो ऊपर थे उसको क्षत्रिय कहलाते थे। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर है वो ब्राह्मण्स कहलाता था। तो इस तरीके का जो सोसाइटी, जो डेवलपमेंट था, वो वर्णा सिस्टम के अनुसार डेवलप था। और यहाँ पर जो सोसाइटी था फोर फेज में डेवलप था। द फर्स्ट वन इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। हायरार्की लेवल पे था, सबसे ऊपर ब्राह्मण्स लोग हुआ करते थे, जो कि एजुकेटेड, जो केवल उन्हीं लोगों को एजुकेशन लेने के लिए और जितने भी एजुकेटेड रिलेटेड था परमिशन वो लोग ही बस। उसके बाद उसके नीचे क्षत्रिय लोग होते थे जो युद्ध करते थे, और उसके नीचे वैश्य जो ट्रेडर पिजेंस मर्चेंट व्यापार का जो एक्टिविटी करता क्या करता था, और सबसे नीचे जो सोसाइटी के जो ग्रुप के जो लोग थे वो शूद्र थे। और ये जो शूद्र थे ये ऊपर वाले अपने सभी सोसाइटी के लोगों के अंडर काम किया करता था। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अर्ली वैदिक एज में कि यहाँ पर दास और पानी जैसे भी ग्रुप हुआ करते थे जो बिल्कुल वर्णा सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया करता था। वो लोग वर्णा सिस्टम से हट के उन लोग का कोई अलग सा ग्रुप था जो बिल्कुल नीचे वाले ग्रुप था, जिसका कलर बताया जाता है कि बिल्कुल बहुत डार्क था। और ये लोग भी ये ऊपर वाली सोसाइटी के अंडर ही काम किया करते थे, इनके दास और दासी के रूप में काम किया करता था। तो इस तरीके से ये पूरा ही सोसाइटी, किस तरह का सोसाइटी डेवलप था उस टाइम में, लेटर वैदिक एज के टाइम में, ये हमें ये सभी चीज बताता है। और इस तरीके से यहाँ पे न्यू तरीके का सोसाइटी डेवलपमेंट हो जाता है, बर्थ के अनुसार पे यहाँ पे न्यू तरह का सोसाइटी यहाँ पे डेवलप हो जाता है। इसके बाद इसका हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इसका हम सोसाइटी देखें, सोसाइटी के बाद इसका देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह था। इकोनॉमिक कंडीशन पिछला हम लोग देखे थे अर्ली वैदिक एज में, इकोनॉमिकल कंडीशन वाज नॉट सो वेरी मच गुड। क्यों? क्योंकि वहां पर आयरन नहीं मिला था, इस कारण से एग्रीकल्चर बहुत नहीं जाता, कैटल रियरिंग बेस्ड टाइप का ही एग्रीकल्चर सीमित था। पर लेटर वैदिक एज आते आते जैसा कि अभी हम लोग देखें कि वो लोग का जो एग्जिस्टेंस था इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी से आगे बढ़कर गंगा यमुना तक उनकी एग्जिस्टेंस हो जाता है, यहाँ तक बढ़कर आ जाते हैं। तो ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट के तरफ उस टाइम तक आयरन का डेवलपमेंट और खोज थोड़ा बहुत हो चुका था, आयरन का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था, आयरन हैज बीन फाउंड हियर। यहाँ पे आयरन का खोज हो जाता है, और जब आयरन का यहाँ पे खोज हो जाता है तो इसके बाद ये आयरन से क्या बनेगा, ये आयरन से टूल्स बनेगा विच हेल्प्स टू डू एग्रीकल्चर, ये हेल्प्स करेगा एग्रीकल्चर करने के लिए। इस तरीके का यहाँ पे जो कंडीशन, जो इकोनॉमिकल कंडीशन लेटर वैदिक एज आते आते तक, यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन में काफी कुछ सुधार हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन मिल जाता है, आयरन मिलने के साथ साथ टूल्स बनाने लगते हैं, और जब टूल्स बनाने लगते हैं तो एग्रीकल्चर आसान हो जाता है और एग्रीकल्चर करना चालू कर देते हैं। और इस तरीके का एग्रीकल्चर होने के साथ ही साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे राइस का भी अवशेष मिला है। हम लोग अर्ली वैदिक एज में देखे थे कि वहां पे कहीं पे राइस का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था, वहां पे लोग मेनली फ्रूट्स बाली जैसे ही फूड्स को यूज किया करते थे। पर यहाँ पे एक लेटर वैदिक एज तक आते आते राइस के भी अवशेष मिले, इसके भी अवशेष मिले हैं, जो बताता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके का इसका इकोनॉमिकल कंडीशन जो था वो डेवलप हो रहा था, बढ़ रहा था। इसका इकोनॉमिकल कंडीशन के बाद इसका हम लोग देखते हैं रिलीजियस कंडीशन क्या था, रिलीजियस लोगों का लाइफ और कंडीशन उस सोसाइटी में कैसा था। जैसा कि हम लोग अर्ली वैदिक दोनों को हम कंपैरिजन करके आप लोग को हम बताते जा रहे हैं, ताकि आप लोग को ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के सोसाइटी और रिलीजियस या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल ये सभी में पहले कैसा था, और लेटर वैदिक एज में किस तरह डेवलपमेंट हुआ, जिससे आप लोग को समझने में और कंपेरिजन करने में बहुत ही आसानी होगा।
तो यहाँ पर पिछला हम लोग अर्ली वैदिक एज में देखे थे कि जो रिलीजियस एक्टिविटी था वो मेनली नेचर से रिलेटेड था, पंचतंत्र का पूजा जैसे में हम लोग देखे थे पृथ्वी अग्नि वायु इंद्र इस तरीके से बिल्कुल नेचर से रिलेटेड वो लोग पूजा किया करते थे। पर इसमें लेटर वैदिक एज में हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर इंद्र जैसे भगवान का यहाँ पे एग्जिस्टेंस हुआ कम हो जाता है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु जैसे गॉडेस का यहाँ पे लोग पूजा करने लगते हैं। यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज था, यहाँ पे आइडल पूजा के बारे में भी बताया गया है कि इस समय तक आते आते लोग ब्रह्मा विष्णु और रुद्र गॉड का एग्जिस्टेंस यहाँ पे बताया गया है। रिलीजियस चेंजेस टुक प्लेस, यहाँ पे बहुत ही रिलीजियस एक्टिविटीज पहले के अनुसार इसमें चेंज हुआ है। एंड ब्राह्मण्स जो यहाँ पर जो ब्राह्मण्स जैसे कर देखे जो सोसाइटी तुम देखे इस सोसाइटी में सबसे ऊपर वाले हायरार्की में ब्राह्मण्स लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण्स जो थे यहाँ पे जो ब्राह्मण्स जो था वो ब्राह्मण्स बहुत ही अपने इसका जो पोजीशन था बहुत ही ऊंचा था। ब्राह्मण्स वेयर अलाउड टू डू यज्ञ, ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस लेटर वैदिक एज में बहुत बढ़ जाता है क्योंकि ब्राह्मण्स ही सबसे ऊपर हायरार्की में सोसाइटी में आते हैं, पढ़े लिखे ग्रुप है इन्हीं लोगों का था। और दिस पीपल्स जो ब्राह्मण्स लोग थे वो कई यज्ञ करवाने लगे थे जैसे में अश्वमेघ यज्ञ जिसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और एरिया कवर किया जाता है। तो इस तरीके से ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा ही लेटर वैदिक एज में बढ़ जाता है। तो आज हम लोग देखें कि इस तरीके से ये जो आज हमारा वीडियो है वैदिक एज के बारे में ये खत्म होता है और ये दोनों हम लोग अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के बारे में हम लोग जाने कि दोनों में किस तरीके का इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सोसाइटी और रिलीजियस जो चेंजेस है वो किस तरीके का परिवर्तन हो के दोनों में डेवलपमेंट हो किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो आज हम इस वीडियो को यहाँ यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।